आज हमारे किचन में बनने जा रहा है खमन। खमन और ढोकला दोनों अलग अलग होते हैं। खमन है वो बेसन का बनता है और जो ढोकला होता है वो चावल के आटे का या फिर दाल के आटे का बनता है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे खमन। एक बर्तन ले लो, उसमें बेसन डाल दो, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा सा शुगर डाल के फिर इसमें पानी मिलाते जाओ। कंसिस्टेंसी आपको उतनी रखनी है जितनी मैंने वीडियो में दिखाई है। उसमें इनो ऐड कर दो, इनो से थोड़ा सा थिक हो जाएगा और क्वांटिटी में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इधर मैंने एक बर्तन में घी लगा के रखा हुआ है, मैंने फिर इस अपने मिक्सचर को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने एक भिगोने में पानी डाल के उसके ऊपर स्टैंड लगा के प्री हीटिंग के लिए 15 मिनट पहले ही रख दिया था। मैंने अपने इस बर्तन को उसके अंदर 15 से 20 मिनट तक रख दिया। फिर जब तक ये पका तब तक मैंने दूसरी गैस पे कढ़ाई लेके उसमें घी डाल के थोड़ी सी राई डाल दी, करी पत्ता डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी। राई है वो उछल के बाहर आएगी, थोड़ा ध्यान रखना अपनी आईज़ का और अपने कपड़ों का। फिर जब ये पक गए मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर ऐड करके इन्हें अच्छे से पका लिया। फिर जब ये पक जाए फिर इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर दो। नींबू का रस बाद में ही ऐड करना। फिर मैंने इसे चेक करा तो ये स्टिक के साथ लग के नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हमारा तैयार हो चुका है। फिर मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, इसकी कटिंग करी, जो साइड से एक्स्ट्रा था शेप देने के लिए मैंने वो हटा दिया। फिर मैंने अपने मिक्सचर को इसके ऊपर डाल दिया। मिक्सचर सारा आराम आराम से डाल देना, तभी ये जूसी बनेगा। मेरा तो थोड़ा सा फ्राइड खमन खाने का मन, तो मैंने थोड़ा सा खमन है वो अलग रख लिया। मैंने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर घी डाल दिया, थोड़े से प्याज डाल दिए, थोड़ा कैचअप, थोड़ी मियोनी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च डाल के उन्हें अच्छे से पका लिया। यहाँ एक तरफ मैंने खमन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसलिए करे क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में मसाला अच्छे से भर जाता है, बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो खमन बनाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप उसमें इनो मिक्स करो तो इनो को बहुत अच्छे से मिलाना। अगर इनो को अच्छे से नहीं मिलाओगे तो उसमें रेड रेड स्पॉट बन जाएंगे जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप अच्छे से मिलाओगे तो आपका जो खमन है बहुत अच्छा बनेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।